इंदौर के पूर्वी क्षेत्र में गणगौर माता के मंदिर का उद्घाटन किया गया। अल्प समय में मंदिर बनकर तैयार किया गया। दरअसल पहले गणगौर मंदिर इस क्षेत्र में नहीं होने से महिलाओं को काफी दूर तक पूजन के लिए जाना पड़ता था। इंदौर के कबीरखेड़ी स्थित रघुनंदन बाग में गणगौर माता का मंदिर बनाया गया। अजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि सभी के सहयोग से अल्प समय में मंदिर का निर्माण किया गया। आज इस मंदिर जो हमने बनाया है गणगौर माता का मंदिर, इसका ओपनिंग है। आज पान प्रतिष्ठा का दिन है, दसवीं के दिन हम इसका सत्यनारायण भगवान की पूजा करके इसका ओपनिंग कर रहे हैं। कन्या भोजन कर रहे हैं और गणगौर माता की जो बाड़ी बोते हैं ज्वार, वो बोने का आज कार्यक्रम है। क्योंकि यहाँ गणगौर माता का मंदिर नहीं था तो यहाँ कम से कम 40 परिवार जो है गणगौर माता की पूजा के लिए यहाँ से भागीरथपुरा जाते थे। देर तक रात को आना होता था और परेशान होते थे, तो सभी लोगों ने, या बस्ती के रघुनंदन बाकी जो बस्ती है इसमें जो परिवार रहते हैं, सब लोगों ने मिलके हमसे बोला कि भैया हमको थोड़ा सा मदद करो। तो हमने बोला कि हम आपकी मदद करेंगे, आप इस मंदिर को सब लोग मिलके करेंगे तो जल्दी होगा। तो 10 दिन पहले हम लोगों ने इसका काम का निर्माण किया और इसको 10 दिन में हमने तैयार करके इसका आज उसका पूजन कर रहे हैं। पहले गणगौर पूजन के लिए यहाँ की महिलाओं को 4 से 5 किलोमीटर दूर भागीरथपुरा जाना पड़ता था। गुरुवार को मंदिर का उद्घाटन किया गया, जवारे बोए गए। 26 मार्च को गणगौर माता का उत्सव भी यहाँ पर मनाया जाएगा। गणगौर वाले दिन आज से जो बाड़ी बो रहे हैं 26 तारीख को, ये जो लोग 15 से 20 जो रथ रहते हैं वो सब अपने अपने घर इनको लेके जाएंगे। पूरी विधि विधान से इसकी पूजा करेंगे अपने परिवारों में। फिर सुबह ये शुक्लिया पानी की टंकी वहाँ से पानी पिला के जुलूस के रूप में यहाँ पर लाएंगे और रात भर यहाँ रात जागरण रहेगा और फिर 28 तारीख को इनका विसर्जन रहेगा।